नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कैपिटल गुड सेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक कैपिटल गुड सेक्टर है, उसके 5 बेस्ट शेयर के बारे में, जिसमें से आप किसी एक शेयर को चुन सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी आपको अच्छा लगे। इसमें मेरे कौन से फेवरेट शेयर वो भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये सेक्टर भी काफ़ी बेहतरीन मल्टीबैगर स्टॉक्स दी है, जिसमें से हेबल्स इंडिया। इन 5 के अलावा भी इस सेक्टर में कई सारे बेहतरीन स्टॉक्स है, आप उसके साथ चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये 5 स्टॉक्स जो है काफ़ी बेहतरीन है, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, आप अपने अनुसार विचार कर सकते हैं, अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। देखिए, पहला स्टॉक जो है वो है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। करेंट मार्केट कैप की बात करें 29,000 करोड़ का, करेंट प्राइस 1,964 रुपीज़ है। डिविडेंड की बात करें 0.51% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 24% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। प्रमोटर्स का होल्डिंग है 68.4%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात है 0.05 है, वहीं टोटल डेट की बात 249 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट जो 882 करोड़ का है, और रिजर्व की बात करें 4,605 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अगर बात करें इसके चार्ट का, तो ये स्टॉक 2019 में ही लिस्ट हुआ है, और वहाँ से काफ़ी बेहतरीन देख सकते हैं चार्ट भी बनाया है। लेकिन यहाँ पर जो गिरावट था पैंडमिक में, वहाँ से ये स्टॉक लगभग 1100 से गिर करके ये 600 के आसपास आ गया था, और वहाँ से फिर ये एक बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, लगभग 300% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। एक साल में 300% बहुत अच्छा रिटर्न है, काफ़ी सॉलिड रिटर्न है। वहीं आप बात करें दूसरे स्टॉक का, तो इस सेक्टर से जो दूसरा स्टॉक है वो वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। अगर करंट मार्केट कैप की बात करें 11,000 करोड़ का है, तो दोस्तों ये मिड कैप कंपनी है, तो इसमें रिस्क भी उतना ही रहता है। लेकिन जब गिरावट में आप बाय करेंगे, तो गिरावट में बाय करने पर आपको कोई भी खास रिस्क नहीं है, क्योंकि ये सारे स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी ज़बरदस्त हैं। करेंट प्राइस 261 रुपये है, डिविडेंड की बात करें 0.46% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाय 26% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है, पर मोटर्स होल्डिंग की बात करें 57.2% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी की बात करें 0.01 है, टोटल डेट की बात करें 10 करोड़ है, नेट प्रॉफिट की बात करें 199 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और रिजर्व की बात करें 1,165 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे देख सकते हैं कंपनी फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड दिख रही है। अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है, देखिए चार्ट कितना ज़बरदस्त है। ये कंपनी ने मात्र 3-4 रुपीज़ से 260 रुपीज़ तक का जर्नी तय किया है, और टोटल रिटर्न 4,700% का रिटर्न दिया है लगभग पिछले 10 सालों में। तो दोस्तों, पिछले 10 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर के वेल्थ को 47 टाइम्स किया है, जो कि बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न है। 10 ईयर्स और आपका 47 टाइम्स आपके वेल्थ को किया है, तो ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है। लॉन्ग टर्म में अभी भी इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। बस देखिए, जब भी ये गिरावट में देता है मौका, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक कई बार गिरावट में मौका दिया अपने इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का। अगला स्टॉक है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। अगर मार्केट कैप की बात करें 10,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 420 रुपीज़ का है, और बात करें इसके डिविडेंड यील्ड का 0.81% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है, प्रमोटर्स होल्डिंग 51.8%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.59 का है, और टोटल डेट की बात 1,984 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट की बात करें 553 करोड़ का है, रिजर्व की बात करें 3,308 करोड़ का रिजर्व है वही कंपनी के ऊपर। तो काफ़ी बेहतरीन ये भी कंपनी है। और अगर बात करें इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के रिटर्न का, तो ये स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल रहा है। देखिए, हर गिरावट में अगर आप इन्वेस्ट करते किसी भी गिरावट में, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिलता है। किसी भी गिरावट में आप इन्वेस्ट करते 2013 में देखिए मात्र 25 रुपये का स्टॉक था, तो वहाँ से भी ये काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देता है। मतलब किसी भी गिरावट में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो इस तरह का कुछ जर्नी रहा इस स्टॉक का, तो इसमें आप किसी भी गिरावट में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगला है क्रॉम्पटन ग्रिव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। मार्केट कैप की बात करें 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस की बात करें 437 रुपीज़ का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 35%, रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, मतलब
हर पैरामीटर्स पे काफी बेहतरीन है। डिविडेंड यील्ड 1.26%, प्रमोटर्स होल्डिंग 11.4%, तो इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग देख सकते हैं काफी कम है। और दूसरा जो इसमें काउज है 47% शेयर प्लेज है, तो इस स्टॉक को अभी अवॉइड करना है, लेकिन जैसे प्लेज शेयर इसका फ्री होता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वही डेट टू इक्विटी की बात करें 0.25% का है डेट टू इक्विटी, और टोटल डेट 479 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 605 करोड़ का है, तो ये इस स्टॉक को अभी अवॉइड करना। लेकिन दोस्तों फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन जब ये शेयर प्लेज आपका देख सकते हैं कभी भी फ्री हो जाता है, और अगर आपको प्रमोटर्स होल्डिंग कम हो तो भी आपको बिलीव है कि स्टॉक अच्छा कर सकता है तो आप इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको तीन स्टॉक बताया है जिसमें से मेरे दो फेवरेट स्टॉक्स थे, वो है पॉलीकैब इंडिया और वी कार्ड इंडस्ट्रीज। इस दो के साथ मैं जाना पसंद करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, और दोनों काफ़ी बेहतरीन है, तो किसी दो में से एक को ही चूज करना है, किसी दो में से एक स्टॉक को ही लॉन्ग टर्म के लिए आपको चूज करना है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में जो इश्यू है प्लेस शेयर का और प्रमोटर्स होल्डिंग कम है, तो इसके लिए आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली काफ़ी स्टॉक है। देखिए जैसे इन्फोसिस हो गया, उसमें भी 13% ही प्रमोटर्स का होल्डिंग है, तो भी हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी बेहतर रहा है। दूसरी बात है इसमें FIs का जो स्टेक है, देखिए 39%, मतलब हम FI के जो FIs के स्टेक है उसको प्रमोटर्स के स्टेक के रूप में ही लेते हैं, इसीलिए हम इसमें आपको इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं कि अगर शेयर प्लेज कभी कम हो जाता है, अगर ये 20% से कम हो जाए, 10% से कम हो जाए प्लेज शेयर, 10% से नीचे आ जाए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें FIs का स्टेक काफ़ी अच्छा है, 40% के आसपास है, वो एक प्रमोटर्स के रूप में ही हम लोग काउंट करते हैं। प्रमोटर्स स्टेक प्लस FIs का स्टेक दोनों को एक तरह से प्रमोटर के रूप में ही लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर प्लीज परसेंटेज कम हो जाए तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज अवॉइड कीजिए, क्योंकि कई सारे बेहतरीन स्टॉक है। अगला जो स्टॉक आने वाला है वो भी काफ़ी बेहतरीन है इस सेक्टर से। अब देखिए इसका रिटर्न की अगर बात करें तो ये भी 2016 में ही यहाँ पर दिखा रहे हैं कि लिस्ट हुआ है कंपनी, और 2016 से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया इस स्टॉक ने भी, 300% का रिटर्न दिया है, काफ़ी सॉलिड है, मतलब शेयर इतना प्लीज होने के बाद देख सकते हैं इस स्टॉक में कभी कोई वीकनेस नहीं दिखा रहा है चार्ट में, क्योंकि FIs का स्टेक काफ़ी ज़्यादा है। वहीं उसके बाद अगला है हेवल्स इंडिया, ये इस स्टॉक को हर कोई जानता है, ये मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है, अगले 10 सालों में ये आपके रिटर्न जो होगा लगभग 20 टाइम्स तक का रिटर्न आपको दे सकता है, और इतने बेहतरीन ब्लू चिप कंपनियां अगर हमें इतना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है तो हम इसमें जरूर इन्वेस्ट करने की सलाह आपको दे सकते हैं। अगर देखिए करेंट प्राइस 1021 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.64% है, प्रमोटर्स होल्डिंग 59.5%, कोई शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.10 है, और टोटल डेट की बात करें 521 करोड़ का टोटल डेट है, नेट प्रॉफिट 1044 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, रिजर्व की बात करें 5000 करोड़ का रिजर्व है, तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी सॉलिड है। आप बात करें रिटर्न का, लॉन्ग टर्म में चार्ट देखते हैं काफ़ी सॉलिड है, लॉन्ग टर्म का चार्ट भी काफ़ी बेहतरीन है, और ये कंपनी बेहतरीन रिटर्न भी क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को, 66,000% का रिटर्न। तो ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक में तो आपको इन्वेस्ट करनी ही चाहिए। तो अगर ये 5 स्टॉक आपको लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ क्रिएट करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन वीडियो के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।